हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शन डिफाइन करेंगे किसी हिल्बर्ट स्पेस पर। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस। अ लीनियर ऑपरेटर पी ऑन अ लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस हम वेक्टर स्पेस को भी बोलते हैं, is called projection operator if it is idempotent, that is p square equals to p। किसी ऑपरेटर को लीनियर स्पेस पर कब बोलेंगे कि वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है? जब वो आइडेम्पोटेंट हो। यही अगर लीनियर स्पेस यानी कि वेक्टर स्पेस की जगह पर अगर बनाक स्पेस की बात की जाए तो हम प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? इफ b इज अ बनाक स्पेस देन आइडेम्पोटेंट लीनियर एंड कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम बी टू बी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑन बनाक स्पेस बी। यानी कि अगर लीनियर स्पेस की बात करें तो सिर्फ आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी चाहिए, और अगर बनाक स्पेस की बात कर रहे हैं तो आइडेम्पोटेंट प्लस लीनियर प्लस कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे कि वो प्रोजेक्शन है ऑन बनाक स्पेस बी। इसके अलावा एम और एन अगर रेंज और नल स्पेस हों किसी प्रोजेक्शन पी की ऑन बनाक स्पेस बी, देन एम और एन दोनों होती हैं क्लोज्ड लीनियर सबस्पेसेस ऑफ बनाक स्पेस बी, सच दैट बी इज डायरेक्ट सम ऑफ एम एंड एन, वेयर एम इज डिफाइंड एज पी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड एन इज डिफाइंड एज एक्स बिलोंग्स टू बी, सच दैट पी एक्स इज जीरो। यानी कि वो सारे एक्स जो बी में से हैं उनकी इमेज क्या होगी? जीरो। वो नल स्पेस के एलिमेंट होते हैं, और रेंज स्पेस के कैसे एलिमेंट होते हैं? पी एक्स टाइप के। और इस चीज़ का कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि अगर हमारे पास m और n कोई दो क्लोज्ड लीनियर सबस्पेसेस हों सच दैट b इक्वल्स टू डायरेक्ट सम ऑफ m एंड n, तो हमें एक प्रोजेक्शन p मिलेगी ऑन b, जिसकी रेंज स्पेस होगी m और नल स्पेस होगी n। नाउ फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इज प्रोजेक्शन थ्योरम स्टेटमेंट। इफ p इज प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस h विद रेंज स्पेस m, नल स्पेस n, then m is perpendicular to n if and only if p is self adjoint। रेंज और नल स्पेस अगर परपेंडिकुलर होगी तो p सेल्फ एडजॉइंट होगा, और अगर p सेल्फ एडजॉइंट होगा तो रेंज और नल स्पेस दोनों क्या होंगी? परपेंडिकुलर। और इस केस में n m परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, इसको हम m पर भी प्रोनाउंस करते हैं। अभी जो भी हमने बनाक स्पेस के लिए बातें बोली हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो हिल्बर्ट स्पेस के लिए भी ट्रू है, यानी कि अगर p प्रोजेक्शन है h पर और रेंज स्पेस m है, नल स्पेस n है, तो h को हम राइट कर सकते हैं एज डायरेक्ट सम ऑफ m एंड n। सपोज करके चलते हैं कि रेंज स्पेस और नल स्पेस परपेंडिकुलर हैं। प्रूव करेंगे कि p क्या है? सेल्फ एडजॉइंट, दैट इज p इक्वल्स टू p स्टार। लेट z बिलोंग्स टू h बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देन z कैन बी रिटन एज x प्लस वाई, वेयर x मस्ट बी एलिमेंट ऑफ m एंड y मस्ट बी एलिमेंट ऑफ n। देन पी जेड विल बी इक्वल्स टू पी एक्स प्लस वाई। P is linear, so we can write here px plus py। px का आंसर x आएगा क्योंकि x किस में से है? m में से। m क्या है? रेंज। और ऊपर हमने रेंज स्पेस कैसे डिफाइन करी है? इसमें px टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू h, और y जो है वो नल स्पेस का एलिमेंट है, सो y के ऊपर अगर p लगाएंगे py क्या हो जाएगा? जीरो। सो pz इक्वल्स टू x। कंसीडर पी जेड और जेड इनर प्रोडक्ट विच विल बी इक्वल्स टू पी जेड का आंसर एक्स और जेड का आंसर क्या है? एक्स प्लस वाई। दिस इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट एक्स विद एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट एक्स विद वाई, जो इनर प्रोडक्ट का रिलेशन होता है नॉर्म के साथ, प्लस एक्स विद वाई इनर प्रोडक्ट। एक्स एलिमेंट है एम का, वाई एलिमेंट है एन का, और इस केस में हम एम और एन को परपेंडिकुलर लेकर के चल रहे हैं, सो एक्स और वाई की इनर प्रोडक्ट क्या आएगी? जीरो। क्योंकि m n के परपेंडिकुलर है सो x भी y के परपेंडिकुलर हो जाएगा, सो इनर प्रोडक्ट x विद y इज जीरो। वी आर लेफ्ट विद पी जेड विद जेड इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू नॉर्म x स्क्वायर। नाउ कंसीडर p स्टार z कॉमा z इनर प्रोडक्ट। p स्टार पीछे लेकर के जाएंगे, p डबल स्टार हो जाएगा एडजॉइंट ऑपरेटर की हेल्प से, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। और p डबल स्टार किसके इक्वल होता है? p के इक्वल, ये भी हमने एडजॉइंट वाली वीडियो में देखा था। और z का आंसर, z की वैल्यू लेंगे x प्लस वाई, पी जेड की वैल्यू लेंगे x यहाँ से और यहाँ से। नेक्स्ट वी हैव इनर प्रोडक्ट x विद x प्लस इनर प्रोडक्ट y विद x। ये नॉर्म x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और ये सिमिलरली जो जैसे हमने पीछे बोला था कि ये n का एलिमेंट है, ये m का एलिमेंट है, और n m परपेंडिकुलर है आपस में, सो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो इनकी इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? ज़ीरो। So inner product P star Z with Z is norm X square. Mark this equation number 1 and this is equation number 2. 1 और 2 की जो राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है सो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी. सो वी हैव पी जेड विद जेड इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू पी स्टार जेड विद जेड इनर प्रोडक्ट फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एच विच इज फर्दर इक्वल टू एम डायरेक्ट सम एन. इसको अगर इस तरफ लेकर के आएंगे पी स्टार माइनस पी जेड विद जेड इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो. सेल्फ एडजॉइंट के वीडियो लेक्चर में हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर टी एक्स विद एक्स इनर प्रोडक्ट जीरो तो टी क्या होता है ऑपरेटर जीरो और ये इफ एंड ओनली रिजल्ट होता है. यही रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. दिस इज ऑपरेटर विद जेड कॉमा जेड इक्वल्स टू जीरो. सो दिस ऑपरेटर विल बी जीरो. पी स्टार माइनस पी इक्वल्स टू जीरो. हैंस पी स्टार इक्वल्स टू पी दैट इज पी इज सेल्फ एडजॉइंट. For the converse part, assume that P is self-adjoint and we will prove here that M is perpendicular to N. That is, range space is perpendicular to null space. Let X belongs to M and Y belongs to N be a element. X और Y के inner product लेंगे. X का आंसर क्या आएगा PX. क्यों? क्योंकि X M का एलिमेंट है और M range space है. range space जो कैसे डिफाइन होती है PX. X belongs to H. पी पीछे लेकर के जाएंगे एट जॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा एक्स कॉमा पी स्टार वाई इनर प्रोडक्ट. अभी पी हम मान करके चल रहे हैं सेल्फ एट जॉइंट है. सो पी स्टार किससे रिप्लेस हो जाएगा पी से एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ एन. सो पी वाई मस्ट बी जीरो और इनर प्रोडक्ट में अगर एक एलिमेंट भी जीरो हो तो आंसर क्या होता है जीरो. इनर प्रोडक्ट एक्स की वाई के साथ जीरो आ गई तो एक्स क्या हो गया वाई के परपेंडिकुलर. एक्स एलिमेंट था एम का और वाई एलिमेंट है एन का. सो एम किसके परपेंडिकुलर हो गया एन के. अभी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि एन एम पर के इक्वल होता है. सो नाउ वी शैल प्रूव दैट एन इज इक्वल्स टू एम परपेंडिकुलर. सिंस एम इज परपेंडिकुलर टू एन लेट जेड नॉट बिलोंग्स टू एन बी अ एलिमेंट देन जेड नॉट विल बी परपेंडिकुलर टू एम क्योंकि n किसके परपेंडिकुलर m के. सो n का हर एलिमेंट जो होगा m के परपेंडिकुलर होगा तो z नॉट किस में चला जाएगा m पर में यानी कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m. क्योंकि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है कि अगर s कोई सेट है तो इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जिसे हम s पर से डिनोट करते हैं वो कैसे डिफाइन होता है ऑल x बिलोंग्स टू h सच दैट x इज परपेंडिकुलर टू S. इस सेट में कैसे एलिमेंट होते हैं जो परपेंडिकुलर हों S के. वो सारे एलिमेंट किस में चले जाते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S दैट इज प्रोनाउंस्ड एज S पर. सो हियर Z नॉट इज परपेंडिकुलर टू M दैट इज Z नॉट बिलोंग्स टू M पर. Z नॉट N का एलिमेंट था और M पर में चला गया दैट इज N इज सबसेट ऑफ M पर. नाउ सपोज दैट N इज प्रॉपर सबसेट ऑफ M पर और वी कैन ऑल्सो कॉल इट M ऑर्थोगोनल. So n is proper subset of M orthogonal. That is n is proper closed linear subspace of Hilbert space M पर. M पर कैसे Hilbert space है क्योंकि दोनों n और M पर closed linear subspaces होती हैं Hilbert space की और closed linear subspace of Hilbert space is itself a Hilbert space. That is M पर is a Hilbert space. So there exists non-zero element Z not belongs to M पर such that Z not is perpendicular to n. ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस के केस में एक रिजल्ट होता है कि अगर M कोई प्रॉपर क्लोज लीनियर सबस्पेस है H की तो हमें एक Z नॉट एलिमेंट मिलेगा नॉन जीरो H में से जो परपेंडिकुलर होगा M के. यही वाला रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. यहाँ पर N प्रॉपर क्लोज लीनियर सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस M पर की तो एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा M पर में से जो किसके परपेंडिकुलर होगा N के. सो Z नॉट बिलोंग्स टू M पर. Z नॉट किसके परपेंडिकुलर हो गया M के क्योंकि जो एलिमेंट किसका है M ऑर्थोगोनल. क्योंकि ये एलिमेंट किसका है M ऑर्थोगोनल का. अगर M ऑर्थोगोनल का एलिमेंट है तो ये किसके परपेंडिकुलर होगा M के. जैसे कि मैंने सेट S की एग्जांपल ली थी कि अगर एलिमेंट S सेट के परपेंडिकुलर है तो वो किसका मेंबर होगा S पर का S ऑर्थोगोनल का. Z नॉट इज परपेंडिकुलर टू N ऑल्सो M. सो Z नॉट इज परपेंडिकुलर टू M डायरेक्ट सम N विच इज इक्वल्स टू H. सो Z नॉट इज परपेंडिकुलर टू H. अभी Z नॉट किसके परपेंडिकुलर है H के. सो Z नॉट विल बिलोंग टू H ऑर्थोगोनल और H ऑर्थोगोनल किसके इक्वल होता है जीरो सबस्पेस के इक्वल होता है क्योंकि जीरो का ऑर्थोगोनल H के इक्वल होता है होल हिल्बर्ट स्पेस H और H का ऑर्थोगोनल जीरो सबस्पेस के इक्वल होता है एंड दैट विल मीन दैट जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन जेड नॉट तो हम नॉन जीरो एलिमेंट लेकर के चले हैं. सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. इट मीन्स एन इज नॉट प्रॉपर सबस्पेस ऑफ एम ऑर्थोगोनल बट इट इज इक्वल टू एम ऑर्थोगोनल. पहले हमने सिंपल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था, अभी हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन या जिसे परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. इसकी डेफिनेशन है प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस हुज रेंज स्पेस एंड नल स्पेस आर ऑर्थोगोनल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. जिस हिल्बर्ट स्पेस की रेंज स्पेस और नल स्पेस आपस में ऑर्थोगोनल होगी, परपेंडिकुलर होंगी, उसी प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. Now projection theorem says that projection on Hilbert space H is perpendicular projection if and only if P is self-adjoint. Projection theorem के according if range space and null space are perpendicular then P is self-adjoint and it is if and only if result. और इस definition के according if M and N are perpendicular then projection will be perpendicular and it is also if and only if result. क्योंकि definition हमेशा if and only if result होता है, तो इन दोनों को मिलाकर के बोल सकते हैं कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन यानी कि P इज अ सेल्फ एडजॉइंट. अगर P सेल्फ एडजॉइंट होगा तो प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल होगी, और अगर प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल है तो P क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट. ऑल्सो इन द थियरी ऑफ हिल्बर्ट स्पेसेस वी शैल कंसीडर ओनली दोज प्रोजेक्शंस विच आर परपेंडिकुलर दैट इज विच आर सेल्फ एडजॉइंट. अब जब भी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन की बात होगी इसका मतलब होगा कि P क्या है, सेल्फ एडजॉइंट. P विल बी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन इफ एंड ऑनली इफ इट इज सेल्फ एडजॉइंट. एंड फॉर कन्वीनियंस वी शैल ड्रॉप वर्ड परपेंडिकुलर, वी विल ओनली राइट प्रोजेक्शन नॉट परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन. सो अ मैपिंग P फ्रॉम H सेटिस्फाइंग दैट P इज आइडेम्पोटेंट लीनियर कंटिन्यूस एंड सेल्फ एडजॉइंट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन और परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑन H. जीरो ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर प्रोजेक्शन होती है क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज ये दोनों ऑपरेटर सेटिस्फाई करते हैं. रिमार्क प्रोजेक्शन थ्योरम सेज दैट P इज प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस H देन इट्स नल स्पेस ऑलवेज इक्वल टू M ऑर्थोगोनल दैट इज वी कैन राइट N इक्वल्स टू M ऑर्थोगोनल वेयर M इज द रेंज स्पेस. क्योंकि प्रोजेक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग M और N अगर परपेंडिकुलर हो तो P सेल्फ एडजॉइंट होता है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर M N परपेंडिकुलर हैं तो जो प्रोजेक्शन होगी P वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. M और N के परपेंडिकुलर होने का मीनिंग है कि N विल बी इक्वल्स टू M ऑर्थोगोनल. सो इन्हीं रिजल्ट्स को कंबाइन करके बोलेंगे कि P अगर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होगी तो N किसके इक्वल होगा, M परपेंडिकुलर M ऑर्थोगोनल के. एंड ऑल्सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट P इज प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस H विद रेंज स्पेस M एंड नल स्पेस N वी विल ओनली से दैट P इज प्रोजेक्शन ऑन M. यानी कि अगर P प्रोजेक्शन होगी तो N किसके इक्वल होगा, M पर या M ऑर्थोगोनल के. अभी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के अंडर जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं हम बारी बारी पढ़ेंगे. फर्स्ट थ्योरम इज P is a projection on closed linear subspace M of H if and only if I minus P is projection on M orthogonal. If and only if result है, both sided proof करेंगे. Proof, suppose P is projection on M. अगर projection है तो P सारी properties projection वाली hold करेगी, यानी कि P idempotent होगी, self adjoint होगी, linear होगी और continuous होगी. अभी हमने सपोज किया है कि P इज प्रोजेक्शन ऑन M एंड वी हैव टू प्रूव दैट I माइनस P इज प्रोजेक्शन ऑन M ऑर्थोगोनल. सो I माइनस P के लिए भी ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए. अभी P लीनियर है, I भी लीनियर होता है, सो I माइनस P विल ऑल्सो भी लीनियर. I और P दोनों कंटिन्यूस होते हैं एंड इट्स सब्ट्रैक्शन विल ऑल्सो भी कंटिन्यूस. अभी आइडेम्पोटेंसी शो करेंगे. I माइनस P होल स्केयर विल बी इक्वल्स टू I स्केयर प्लस P स्केयर माइनस 2IP. P स्केयर P के इक्वल है यहाँ से, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट दैट I माइनस P स्केयर इक्वल्स टू I माइनस P. यानी कि I माइनस P क्या बन गया, आइडेम्पोटेंट. सेल्फ एडजॉइंट के लिए I माइनस P स्टार इक्वल्स टू I स्टार माइनस P स्टार यूजिंग द रिजल्ट दैट T1 प्लस T2 होल स्टार इक्वल्स टू T1 स्टार प्लस T2 स्टार. ये हमने प्रूव किया था एडजॉइंट वाले वीडियो लेक्चर में. I स्टार विल बी I एंड P स्टार विल बी इक्वल्स टू P यहाँ से. सो I माइनस P स्टार इक्वल्स टू I माइनस P दैट इज I माइनस P इज सेल्फ एडजॉइंट. सो इट इज लीनियर आइडेम्पोटेंट कंटिन्यूस एंड सेल्फ एडजॉइंट. सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑन H. बट वी हैव टू शो दैट I माइनस P इज प्रोजेक्शन ऑन m ऑर्थोगोनल, ये हमने शो करना है। अभी अगर p प्रोजेक्शन हो m पे तो m क्या होती है, रेंज स्पेस ऑफ p। हमने शो करना है कि i माइनस p इज प्रोजेक्शन ऑन m ऑर्थोगोनल, सो वी हैव टू प्रूव दैट m ऑर्थोगोनल इज रेंज स्पेस ऑफ i माइनस p। So if M is a range space of P, then M orthogonal is range space of I minus P। ये हमने प्रूव करना है, तो हम लेट करके चलते हैं कि N है रेंज I माइनस पी की, और प्रूव क्या करेंगे, N किसके इक्वल है, M orthogonal के इक्वल है। सो N को M orthogonal के इक्वल प्रूव करने के लिए एक बार हम प्रूव करेंगे कि N इज सबसेट ऑफ M orthogonal और दूसरी बार M orthogonal इज सबसेट ऑफ N। सो लेट अस टेक एलिमेंट X फ्रॉम N, ये नहीं आएगा यहाँ पर। अभी अगर m हम रेंज स्पेस मान करके चले p की, तो m कैसे डिफाइन करेंगे, पी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू h, यानी कि अगर x एलिमेंट हम m का लेंगे तो x को कैसे राइट करेंगे, पी एक्स के इक्वल। और यहाँ पर हम n रेंज किसकी लेकर के चल रहे हैं, i माइनस पी की, तो n का कोई भी एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, i माइनस पी एक्स इक्वल्स टू एक्स। सो आई एक्स माइनस पी एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स माइनस पी एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ पी, क्योंकि पी लगाने पे इमेज क्या आ रही है, जीरो। एंड नल स्पेस ऑफ पी किसके इक्वल है, एम ऑर्थोगोनल के इक्वल, बिकॉज वी आर गिवन दैट पी इज प्रोजेक्शन ऑन एम। अगर पी प्रोजेक्शन है एम तो पी की नल स्पेस किसके इक्वल आएगी, एम ऑर्थोगोनल के इक्वल। सिंस एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एन and we have proved that x belongs to m orthogonal, so n is a subset of m orthogonal। अब reverse inequality के लिए मान के चलेंगे x belongs to m orthogonal be any element, तो पी एक्स किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि m orthogonal तो नल स्पेस है ना प्रोजेक्शन p की, सो पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। यही वाले रिवर्स स्टेप अगर यूज करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा m orthogonal perpendicular to n and combining both we get n equals to m perpendicular। So M orthogonal is a range space of I minus P, that is I minus P is projection on M orthogonal। कन्वर्स पार्ट में हम ये मान करके चलेंगे कि I minus P प्रोजेक्शन है M orthogonal पर और प्रूव करेंगे कि P प्रोजेक्शन है M पर। अभी हमने प्रूव किया इफ़ P इज प्रोजेक्शन ऑन M देन I minus P इज प्रोजेक्शन ऑन M परपेंडिकुलर। अगर यही वाला रिजल्ट दोबारा लगाए यहाँ पर तो I minus P विल बी प्रोजेक्शन ऑन m डबल पर। सो इसको यूज़ करके हम लिखेंगे i माइनस p इज प्रोजेक्शन ऑन m डबल पर एंड दिस विल बिकम p, और m डबल पर m के इक्वल होता है। ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर m क्लोज्ड सबस्पेस हो तो m डबल पर m के इक्वल होता है, और इस रिजल्ट का प्रूव हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। सो वी हैव प्रूव्ड दैट i माइनस p इज प्रोजेक्शन ऑन m ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली if p इज प्रोजेक्शन ऑन m। Second important theorem is if P is projection on M, then X belongs to M if and only if X equals to PX if and only if norm X equals to norm PX. For this, let X belongs to M, which is range space, that is PZ for Z belongs to H। अभी X already use कर चुके हैं, so यहाँ पर हम Z use करेंगे। So Z will become equals to PZ, क्योंकि Z M का element है और M में किस type के element है, PZ type के element। दोनों तरफ P लेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू पी पी जेड, पी स्केयर आएगा यहाँ पर और पी स्केयर पी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि पी क्या गिवन है, प्रोजेक्शन, सो इट विल बी आइडेम्पोटेंट। सो पी एक्स किसके इक्वल आ गया, पी जेड के, एंड पी जेड इक्वल्स टू एक्स, सो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर एक्स एम का एलिमेंट है तो पी एक्स एक्स के इक्वल होगा। अभी रिवर्स प्रूव करने के लिए मान के चलेंगे कि एक्स किसके इक्वल है, पी एक्स के इक्वल, सो बाय डेफिनेशन ऑफ रेंज स्पेस एक्स विल बी एलिमेंट ऑफ एम, क्योंकि M में कैसे एलिमेंट होते हैं, पी एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं, जो X अगर H में से हो, दैट इज X बिलोंग्स टू M इफ एंड ऑनली इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स। अभी हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। फॉर दिस सपोज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड इट विल सिंपली इम्प्लाई दैट पी एक्स नॉम इक्वल्स टू नॉम एक्स, अगर हम दोनों तरफ नॉम लें। कन्वर्स में पी एक्स नॉम इक्वल्स टू नॉम एक्स मान के चलेंगे, प्रूव करेंगे पी एक्स एक्स के इक्वल है। फॉर दिस कंसीडर नॉम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स प्लस आई एक्स माइनस पी एक्स। क्या क्या हमने पी एक्स ऐड और पी एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक्स को हमने आई एक्स लिख दिया। अभी ये किसके इक्वल आएगा, पी एक्स नॉम स्क्वायर प्लस आई माइनस पी एक्स नॉम स्क्वायर, और इसका रीज़न है Since P is projection on M, therefore Px will belongs to M. थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास? P is projection on M, then I minus P is projection on M orthogonal. तो I minus Px किसको बिलोंग करेगा? M orthogonal को. Px M का मेंबर है, I minus Px M orthogonal का मेंबर है. और पाइथागोरियन थ्योरम होती है हमारे पास, जिसके अकॉर्डिंग अगर x ऑर्थोगोनल हो y के, दैट इज x इज परपेंडिकुलर टू y, देन x प्लस वाई नॉम स्क्वायर इक्वल्स टू नॉम एक्स स्क्वायर प्लस नॉम वाई स्क्वायर. यानी कि इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं. और यहाँ पर भी ऐसे ही है, पी एक्स जो मेंबर है वो m का है और i माइनस पी एक्स m ऑर्थोगोनल का मेंबर है. और ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, तो इन दोनों को बिलोंग करने वाले एलिमेंट भी क्या होंगे? ऑर्थोगोनल. तो इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं? पी एक्स नॉम स्क्वायर प्लस आई माइनस पी एक्स नॉम स्क्वायर. तो हमारे पास ये आ जाएगा. और हम इस रिजल्ट में मान करके चले हैं कि पी एक्स नॉम किसके इक्वल है? नॉम एक्स के इक्वल. इसको रिप्लेस करेंगे नॉम एक्स से और इन दोनों को कैंसिल करेंगे, क्या आएगा? आई माइनस पी एक्स नॉम स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो. नॉम स्क्वायर ज़ीरो है तो नॉम भी ज़ीरो होगी, और जिस एलिमेंट की नॉम ज़ीरो होती है वो एलिमेंट खुद भी क्या होता है? ज़ीरो. सो आई माइनस पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वी गेट एक्स माइनस पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स. और यही हमने प्रूव करना था कि अगर पी एक्स नॉम एक्स नॉम के इक्वल हो तो पी एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के इक्वल. Third theorem, if P is projection on Hilbert space H, then number 1 P is positive operator, second P lies between 0 to I, I is identity operator here, third Px norm less than equals to norm X and fourth one is norm P less than equals to 1. अब इन चारों को हम वन by वन प्रूव करेंगे. For first, let X belongs to H be arbitrary. अभी हमें पहले पता होना चाहिए कि पॉजिटिव ऑपरेटर क्या होता है. किसी ऑपरेटर ए को हम पॉजिटिव ऑपरेटर यानी कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कब बोलते हैं? पहली कंडीशन है कि ए क्या होना चाहिए? सेल्फ एडजॉइंट, यानी कि ए इक्वल्स टू ए स्टार. और सेकंड कंडीशन है ए एक्स कॉमा एक्स नॉम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच. तो यही चीज़ यूज़ करके हम यहाँ पर पी को पॉजिटिव ऑपरेटर प्रूव करेंगे. Now consider px with x inner product which is equals to p square x comma x inner product. क्योंकि p गिवन है कि प्रोजेक्शन है, अगर प्रोजेक्शन है तो p क्या होगी? सेल्फ एडजॉइंट भी होगी, p आइडेम्पोटेंट होगी, लीनियर होगी और साथ में क्या होगी? कंटिन्यूस. ये चारों आप यहाँ पर पहले स्टेट भी कर सकते हैं. वी कैन राइट इट p पी एक्स कॉमा एक्स एंड p को पीछे लेकर के जाएंगे, p स्टार x बन जाएगा. और p अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो p स्टार को p लिख सकते हैं और इसे कन्वर्ट करेंगे नॉम में. पी एक्स नॉम स्क्वायर, और नॉम तो हमेशा पॉजिटिव होती है और स्क्वायर की वजह से भी बोल सकते हैं कि यह पॉजिटिव है. सो पी एक्स विद एक्स इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच. और p गिवन है कि प्रोजेक्शन है, सो इट इज़ सेल्फ एडजॉइंट. दोनों प्रॉपर्टीज आ गई, हैंस p इज़ अ पॉजिटिव ऑपरेटर. Now for second part, by theorem 1 we have P is projection on H, then I minus P is also projection. और part 1 के according अगर P projection है तो P क्या होगा? positive operator. और I minus P अगर projection है तो वो क्या होगा? positive operator. Hence I minus P is greater than equals to 0, that is I greater than equals to P. Give it number 1. और by part 1 P is always greater than equals to 0. Give it number 2. On combining both we get P lies between 0 to I. यानी कि जीरो ऑपरेटर से आइडेंटिटी ऑपरेटर के बीच में लाई करता है. For third part, we have P less than equals to I from here. By partial order relation we have Px comma x inner product less than equals to Ix with x inner product for every x belongs to H. पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर दो ऑपरेटर्स में इनइक्वालिटी हो तो वही इनइक्वालिटी यहाँ पर रहेगी अगर हम इनर प्रोडक्ट लें किसी एलिमेंट के साथ. और p क्या है? आइडेम्पोटेंट. सो p कैन बी रिटन एज p स्क्वायर. i आइडेंटिटी ऑपरेटर है, सो आई एक्स विल बी x. p पीछे लेकर के जाएंगे, p स्टार आ जाएगा. और p स्टार किसके इक्वल है? p के इक्वल, क्योंकि p क्या है? सेल्फ एडजॉइंट. हियर इट विल बिकम पी एक्स नॉम स्क्वायर एंड इट विल बिकम नॉम एक्स स्क्वायर. स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो पी एक्स नॉम लेस देन इक्वल्स टू नॉम एक्स आ जाएगा. फॉर लास्ट पार्ट वी नो नॉम पी इक्वल्स टू सुप्रीमम नॉम पी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एच एंड नॉम एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1. अभी पार्ट थ्री में हमने बोला है कि नॉम पी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉम एक्स है, सो वी राइट हियर लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम नॉम एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एच, नॉम एक्स लेस देन इक्वल टू वन। और इस सेट का सुप्रीमम किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट नॉम एक्स हैं और सारे एक्स की नॉम क्या है, लेस देन इक्वल टू वन, और मैक्सिमम तो वन ही आएगा ना, सो सुप्रीमम विल बी वन। हियर वी हैव नॉम पी लेस देन इक्वल टू वन। Note, if P is a projection, then Px with x inner product equals to Px norm square। ये हम ऊपर कई बार प्रूव कर चुके हैं, जैसे जहाँ पर भी हमने प्रूव किया कि Px की x के साथ इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई, नॉर्म Px square के इक्वल। अभी लास्ट रिजल्ट प्रूव कर, जो हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के टॉपिक में बार बार यूज़ करेंगे, दैट रिजल्ट इज इफ एम इज क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच, देन एम इक्वल्स टू एम डबल पर। प्रूफ, सिंस एम इज क्लोज्ड, एम क्लोज्ड है तो एच को हम राइट कर सकते हैं एज डायरेक्ट सम ऑफ एम एंड एम पर। ये हमारे पास थ्योरम होती है कि अगर एम क्लोज लीनियर सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच की, then H is direct sum of M and M orthogonal, that is H equals to M direct sum M orthogonal। और M orthogonal भी तो closed linear subspace होती है H की। Here M orthogonal is orthogonal complement of M, और orthogonal complement जितने भी होते हैं वो सारे closed subspace बनाते हैं हिल्बर्ट स्पेस के लिए। और अगेन अगर यही थ्योरम यूज़ करें उससे क्या आ जाएगा, H will be equals to M orthogonal direct sum M double orthogonal। Give it number 2, 1 और 2 की लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट भी इक्वल रखेंगे। एंड वी हैव द रिजल्ट दैट इफ यू एंड वी आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस सच दैट डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन वी इज जीरो सबस्पेस, देन डायमेंशन ऑफ यू डायरेक्ट सम वी विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ वी। टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट डायमेंशन एम डायरेक्ट सम एम पर इक्वल्स टू डायमेंशन एम पर डायरेक्ट सम एम डबल पर। एम और एम पर इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, ज़ीरो, क्योंकि एम ऑर्थोगोनल इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, और एक सबस्पेस की अपने ही ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा ज़ीरो होती है। सिमिलरली एम पर की एम डबल पर के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी, ज़ीरो सबस्पेस। तो ये वाला रिजल्ट हम यूज़ करेंगे कि अगर इंटरसेक्शन ज़ीरो सबस्पेस हो तो डायमेंशन भी उसकी क्या होगी, ज़ीरो। अगर इंटरसेक्शन की डायमेंशन ज़ीरो है तो डायरेक्ट सम की डायमेंशन क्या होती है, प्लस में चेंज हो जाती है। सो इट विल बिकम डायमेंशन एम प्लस डायमेंशन एम पर इक्वल्स टू डायमेंशन एम पर प्लस डायमेंशन एम डबल पर। ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डायमेंशन एम इक्वल्स टू डायमेंशन डबल पर। गिव इट नंबर 3, ऑल्सो एम इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एम डबल पर। गिव इट नंबर 4, और रिजल्ट होता है हमारे पास कि अगर दो सेट्स की डायमेंशन इक्वल हो, डायमेंशन ए इक्वल्स टू डायमेंशन बी, और एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो दोनों सेट इक्वल ही होते हैं। सो बाय 3 and 4 वी हैव एम इक्वल्स टू एम डबल पर। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच वी विल यूज अगेन एंड अगेन टू प्रूव वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, दैट इज एम इज क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ एच, देन एम विल बी इक्वल्स टू एम डबल पर। होप आपको सारा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर वैल्यूएबल सजेशंस इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।